हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अखिलेश कुमार यादव, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। सबसे पहले मैं यूनिट का नाम डालूंगा। यूनिट नंबर हमारा फर्स्ट है, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट का नाम है लिविंग बर्ड। दिखाई दे रहा है? ओके, लिविंग बर्ड। और चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर भी फर्स्ट ही है और बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको वीडियोस मिल जाएंगी टॉपिक वाइज और बिल्कुल सीक्वेंस से। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए बयां करते हैं। कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं जो श्योर डिफाइन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर होने के लिए। कुछ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं जो श्योर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हमारा है नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमियल ऐड है, हायरार्की है। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग, यहाँ पर, या कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग। ठीक है, तो लिविंग बींग के कैरेक्टर आपके दो हैं। एक तो जो वो जो श्योर डिफाइन करेगी चीज़ें लिविंग बींग होने के लिए, और दूसरा वो जो श्योर डिफाइन नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो दो टाइप की हैं। एक तो हमारा मैंने कहा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और दूसरा मैंने कहा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आते हैं आपके कितने, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट तो आपको याद ही होना चाहिए, इसके अंदर का मैटर मैं भी डिस्कस करूंगा। मेटाबॉलिज्म, सेल इंटरैक्शन, कॉन्शियसनेस, ये चार प्रॉपर्टी हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए। बाकी दो प्रॉपर्टी और हैं जो श्योर डिफाइन नहीं कर पाती, वो क्या हैं? एक है हमारा ग्रोथ और एक हमारा है रिप्रोडक्शन। ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं। कैसे, हम भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि लिविंग बींग होने के लिए प्रॉपर्टी कितनी है। तो दो हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सेल इंटरेक्शन एंड कॉन्शियसनेस आएंगी। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आएगा। कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें अगर होंगी तो लिविंग बींग होगा, और ये चीज़ें अगर नहीं हैं तो लिविंग बींग नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे आएंगे, यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो इतना नोट डाउन आप कर लीजिए ग्रोथ के बारे में, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।